ये ब्रिज चल हो गया, वाओ बात पता चला। पोरबंदर का ब्रिज जो है वो कैलाम, रुक जा थम जा, पोरबंदर का ब्रिज जो है वो ओपन हो चुका है। ओ माय गॉड, इसका काम काफी सालों से चल रहा था और आखिरकार ये ब्रिज जो है वो खुल गया ट्रैफिक के लिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फीलिंग्स अत्यर्क अद्भुत भावनाएं हमें बताती है कि हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आप अपनी पुरानी कोई भी अच्छी हो बुरी हो घटनाएं याद कीजिए, समझ लीजिए एकाध दुखद घटनाओं के दौर से आप जा रहे हो, आपका मन द्रवित है, बहुत हिले हुए हो, तब ये भावनाएं, तब ये भावनाएं, ये फीलिंग्स ही आपको बताती है कि आप क्या विचार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस दौर से जा रहे हैं। संकेत को समझने की कोशिश करो। मैंने भी अपनी भावनाओं के संकेत को समझा, अपने फीलिंग के संकेत को समझा और आज तारीख 13 मई 2023 सुबह के 5:30 बजे मैं निकला हूँ अपने भारत के स्वर्ग की तरफ। दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अब मेरी ये बहुत बड़ी जर्नी, बहुत लंबी जर्नी जो है शुरू हो चुकी है। तकरीबन 2100 किलोमीटर की ये दूरी मुंबई से कश्मीर तक की, 2100 किलोमीटर की है ये। इस लंबी जर्नी के लिए, इस लॉन्ग कहूंगा मैं लॉन्ग जर्नी के लिए आज मैं निकला हूं। तकरीबन 40 घंटे की, अगर कंटिन्यूस ड्राइव करें तो ये 40 घंटे की जर्नी है, लेकिन खैर मैं तो ब्रेक लेते हुए जाऊंगा। शाम के वक्त वैसे भी मैं चलाता नहीं हूं, अभी यानी ये मार्च को ही मैं मुंबई से कन्याकुमारी तक की जर्नी कंप्लीट की है, मैंने टूर कंप्लीट किया है कन्याकुमारी का। अब कश्मीर के टूर पर हम चले हैं, बहुत सुबह सुबह बहुत आनंद महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ और बेचैन भी हूँ एट द सेम टाइम, क्योंकि इस रूट पर, इतने लंबे रूट पर, यानी कन्याकुमारी तक का सफर जो है वो तो, वो अनुभव तो है मेरे पास, लेकिन इस उत्तर की दिशा में इतने दूर तक कार से ट्रैवल में पहली बार कर चुका हूं। तो दोस्तों, दक्षिण का
किनारा, भारत के दक्षिण का किनारा तो मैंने छू लिया, अब भारत के उत्तरी किनारे तक मैं जा रहा हूं। कोशिश है ये जर्नी बहुत ही सुखदाई हो, आनंददाई हो। अड़चने तो आती रहेगी, वो जीवन का एक भाग है। तो चले जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भी बजे हैं सुबह के 6:30 और मेरे राइट साइड से जो है सूरज देवता के मुझे दर्शन हो रहे हैं और डायरेक्ट सुबह की जो धूप है वो चेहरे पे आ रही है। ये गुंजा भाई, अरे गुंजा, ये हुआ ना आज जो है हैवी व्हीकल्स मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। शायद आज शनिवार होने की वजह से और शायद सुबह की वजह से जो है हैवी व्हीकल्स का जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आज शनिवार है, यानी सैटरडे है, तो मुंबई की जो पब्लिक है वो निकलने वाली है पिकनिक के लिए। तब ये जो रोड है दोपहर के बाद बहुत ही भरा रहता है, ट्रैफिक से बहुत भरा रहता है। ये आगे जाके नाइट्रोजन गैस जो है वो टायर पे फिलअप करना है। मेरे आलस की वजह से कल जो है ना ये सब करनी चाहिए थी चीज़ें, लेकिन मैंने की नहीं। नाइट्रोजन गैस है कि नहीं, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस ये क्या है, नाइट्रोजन नहीं होगा। अच्छा, एक बार पूछ लेता हूँ तो उनको पता चलेगा। दादा नाइट्रोजन गैस है, कहाँ पर है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन हवा नहीं है। नहीं नहीं, कहाँ पर है, होगी तरफ नहीं मिलेगा, तरफ मिलेगा। आगे मिलेगा, आगे जा रहे ना। हाँ
थोड़ा टेंशन था कि ये टायर चेक कर रहा था, यहाँ काफ़ी देर तक ढूंढ रहा हूँ, नाइट्रोजन एयर इतने आसानी से कहीं मिल नहीं रहा है। कि इसके पहले भी मैंने नाइट्रोजन एयर ही जो है टायर में फिलअप किया था, तो ढूंढ रहा था काफ़ी जगह, काफ़ी पेट्रोल पंप पे रुका भी नाइट्रोजन एयर के लिए, लेकिन मुझे अभी तक तो मिला नहीं, शायद आगे मिले तो अच्छी बात है। एयर जो है कम लग रही है, तो मैं अभी हाईवे के पास के होटल रनवे पे हूँ और वहाँ ही नाश्ता करूँगा। तो मेरे राइट साइड में जो पीछे में छोड़ आया हूँ वो चिखली, और दूसरी तरफ जो है वो नवसारी। नवसारी जो नवसारी ज़िले के पास ही ये होटल रनवे है, बहुत काफ़ी दूर है, नज़दीक नहीं है, लेकिन नवसारी भी एक जिला स्तरीय शहर है गुजरात का। और अभी चलते हैं होटल रनवे में, देखते हैं क्या मिलता है। तो अभी होटल रनवे में एक फूल भाजी की ऑर्डर हुई, काफ़ी होटल में काफ़ी दिनों बाद पूरी भाजी खा रही। तो ये है पूरी भाजी गुजरात की, पूरी गर्म है और ये सब्जी टेस्ट करते हैं। तो दमन कर सब्जी की टेस्ट भी बहुत अच्छी है।